सेक्शन दिया है 186 186 रिलेटेड है लोन गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो हम सीधे से बोलें तो ये LIG से रिलेटेड है। LIG मतलब क्या? लोन इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में अच्छी खासी इसकी फ्रीक्वेंसी है, रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर, है ना। चलिए देखें, सबसे पहले हम देखते हैं सब सेक्शन 186 का। सबसे पहले हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं? सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो कंपनी है शैल मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तीसरे पेज पर दिया होगा आपको या सेकंड पेज पर मिला। कौन सा सेक्शन स्टार्ट किया हमने? सब सेक्शन क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसका मतलब क्या कि अगर इस एक्ट में लोन इन्वेस्टमेंट और गारंटी से रिलेटेड दूसरी जगह भी कोई प्रोविजंस दिए हैं तो वो प्रोविजन आपको क्या करने हैं? कंप्लाई करने हैं। उन प्रोविजंस का आपको क्या नहीं करना है? नॉन कंप्लायंस। दूसरे जो प्रोविजंस हैं वो भी आपको क्या करना पड़ेंगे? कंप्लाई। तो उन दूसरे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए अगर कंपनी क्या करना चाहती है? इन्वेस्टमेंट। कंपनी क्या करना चाहती है अगर? तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है बट नॉट मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, है ना। कौन सा वर्ड बोला बेटा? नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट कंपनी। लेयर तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के हिसाब से लेयर का यहां मतलब है सब्सिडरी कंपनी से। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के हिसाब से लेयर का यहां मतलब होता है किससे? सब्सिडरी कंपनी से। बोले इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है? तो बोले ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस दूसरी कंपनीज के शेयर्स को, डिबेंचर्स को या सिक्योरिटीज को एक्वायर करना होता है। बोले इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है? तो बोले इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जिसका काम क्या होता है कि वो दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनको एक्वायर करती है। हम जनरल लेते हैं, है ना। हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से करते हैं? हमें वहां से रिटर्न मिलेगा। हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से करते हैं? हमें रिटर्न मिलेगा। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, किस पर्पज से? इंटरेस्ट मिलेगा। किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, किस पर्पज से? डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसा ही अगर कोई काम कंपनी कर रही है कि एक कंपनी खुद का बिजनेस नहीं करती है, उसका तो बिजनेस ही क्या है? दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है। फिर दूसरी कंपनी जब क्या देती है? डिविडेंड। तो हमारी क्या हो जाती है? इनकम।
दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, जब डिबेंचर्स पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? इनकम। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का यही काम होता है, क्या काम होता है कि वो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, उसका तो बिजनेस यही है कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी के हमने क्या खरीद लिए? शेयर्स। अब जब रिलायंस कंपनी के हमारे पास क्या गए? शेयर्स। तो रिलायंस कंपनी क्या बांटेगी? जब डिविडेंड, तो वो डिविडेंड हमारी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। वही हमारी इनकम का क्या रहेगा? सोर्स रहेगा, ठीक है। तो अब इन चीजों को अगर हम देखें, है ना, तो सबसे पहले मैंने बोला 186 किससे रिलेटेड है? जब कंपनी क्या देती है? लोन। लोन लेने से नहीं, ये देने से रिलेटेड है। जब कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? या लोन के रिलेशनशिप में गारंटी सिक्योरिटीज देती है, या कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, क्या करती है। तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है? 186, है ना, जिसको हमने ब्रीफ में बोल दिया LIG। LIG में से कोई भी ट्रांजेक्शन करे तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है? 186, है ना। अब सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर आपकी कंपनी क्या करना चाहती है? इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्टली करे। कैसे करे? अगर वो क्या बना रही है? इन्वेस्टमेंट कंपनी। वो क्या बना रही है? और इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती है। अगर वो इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू करती है बेटा? इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी की मैक्सिमम कितनी लेयर हो सकती है? 2 लेयर। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक। वो क्या करना चाहती है? इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या करना चाहती है? कि दूसरी कंपनी क्या क्या खरीदेगी? शेयर्स, या क्या खरीदेगी? डिबेंचर्स। तो रिलायंस कंपनी क्या करना चाहती है? अगर इन्वेस्टमेंट अपने नाम से करे, डायरेक्टली अपने नाम से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना है, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदना है, खरीद ले। बट वो लेयर, लेयर का जनरल मीनिंग समझते हैं, लेयर मतलब क्या? परत, शेल्टर, प्रोटेक्शन, कि हम किसी दूसरे के पीछे छुपकर काम कर रहे हैं। तो जैसे रिलायंस कंपनी ने क्या करा? एक कंपनी बनाई ए लिमिटेड, जिसकी 60% कैपिटल किसके पास थी? रिलायंस के पास। तो क्या ये रिलायंस की सब्सिडरी हो गई? हाँ। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कैसे आता है? याद देना अपने को कि जब किसी कंपनी की 50% से ज्यादा शेयर्स हमारे पास होती है तो वो कंपनी हमारी क्या हो जाती है? सब्सिडरी। तो ये ए लिमिटेड हमारी क्या हो गई? सब्सिडरी। फिर हमने इसके नीचे एक और सब्सिडरी बनाई, किस नाम से? बी। बी के मान लो 55% शेयर हमारे पास है तो बी भी हमारी क्या हो गई? अब ये लेयर हो गई, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई। ये क्या हो गई बेटा? फर्स्ट लेयर। ये क्या हो गई? सेकंड लेयर। अब मान लो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है काय में? सी में। सी के 70% शेयर हमने खरीद लिए, तो सी और रिलायंस के बीच में कितनी लेयर हो गई? हाँ, तो 2 से ज्यादा लेयर रखना है क्या? नहीं। तो एक तो रिलायंस खुद, दूसरा ये। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है आप डायरेक्टली करो ना। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने की मनाही ही नहीं है। अगर आप क्या कर रहे हो? मल्टीपल लेयर्स के थ्रू। कौन सा वर्ड बोला मैंने? क्या कर रहे हो? ताकि ये मालूम नहीं पड़े कि एक्चुअली सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसका है। जैसे हमने मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा था, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? सोर्स ऑफ फंड छुपाने की कोशिश करते हैं हम कि बेसिकली पैसा किसका है, हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हो सकता है हमारा पैसा कैसा हो? इलीगल एक्टिविटी से। हमें उसका क्या छुपाना है? सोर्स। तो हमने लेयरिंग पढ़ा था, वहां 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी होती है? प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। लेयरिंग में हम क्या करते हैं? सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन के ऊपर दूसरा ट्रांजेक्शन, ताकि मेन ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है मालूम ही नहीं पड़े। तो बेटा उसी चीज को तो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहां पर भी।
हमने यही बोला है आप दो लेयर से ज्यादा मत बनाना. तो ये जो तीसरी सब्सिडरी आपने बनाई है, क्या बनाई है बेटा, ये जो ये कौन सी लेयर हो गई, थर्ड लेयर. कौन सी लेयर हो गई है, ये आप नहीं कर सकते. ये चीज आई समझ में, लेयर का मतलब मैंने बताया, लेयर का मतलब समझ में आया. लेयर का मतलब क्या है, यहां पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 के हिसाब से कौन सी कंपनी सब्सिडरी. तो रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, क्योंकि ए के कितने परसेंट शेयर्स किसके पास, फिर बी के कितने परसेंट किसके पास, रिलायंस के पास, किसके थ्रू, ए के थ्रू. तो रिलायंस तो इन दोनों को कंट्रोल कर रही है, फिर इसके नीचे और इन्वेस्टमेंट करती जा रही है. तेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मना नहीं कर रहे हैं, बट डायरेक्टली करो ना, सामने आके करो ना. आप इस तरह से लेयर मत चढ़ाओ ना. क्यों, क्योंकि अगर आप लेयरिंग कर रहे हो तो हमें डाउटफुल ट्रांजेक्शन दिख रहा है. हमें यह नहीं मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल ऑनर कौन है. हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू रूट हो रहा हो. बड़े बड़े स्कैम हुए हैं कलकत्ता की बहुत सारी कंपनीज हैं. 3G 2G स्कैम हुआ था, उसमें भी इसी तरह से लेयरिंग वगैरह चढ़ा रखी थी, ताकि ये ना मालूम पड़े कि एक्चुअल इन्वेस्टर्स कौन है. बोले नहीं, तू कर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने की मना नहीं किया हमने, बट अगर आप लेयरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो लेयरिंग कितने से ज्यादा की नहीं होगी. इसलिए लिखा है कंपनी शेल मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर, हम क्या कर बेटा, फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो ऐसी कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी बना सकते हैं, 2. कितनी लेयर रख सकते हैं, 2. 2 से ज्यादा लेयर हम नहीं रख सकते, है ना. तो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई. इसके बाद हम क्या नहीं बना पाएंगे, तीसरी सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में नहीं बना सकते. ये चीज आई समझ में अपने को. अब इसमें आगे क्या लिखा है, एक चीज, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड. कौन सी चीज लिखी बेटा, मतलब अगर अदरवाइज परमिट किया गया ना, क्या किया गया बेटा अदरवाइज, तो फिर 3 लेयर भी कर सकते हो, 4 लेयर भी कर सकते हो, अगर परमिट किया गया कहीं पर. तो 3 चीज बोली मैंने. सबसे पहले तो क्या लिखा था, आवाज नहीं आ रही बेटा, इसका मतलब क्या कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्ट में जो दूसरे प्रोविजन है वो भी आपको कंप्लाई करना पड़ेंगे. उन दूसरे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. किसके थ्रू कर सकते हो, अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू. वो सब्सिडरी क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है. बट कितनी लेयर रख सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं. कितनी लेयर रख सकते हो बेटा, 2 से ज्यादा नहीं. बट अगर अदरवाइज प्रोवाइडेड है, बोलो बच्चों क्या है, अगर मतलब कहीं अलाउड है, तो फिर आप 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं. ये पॉइंट आया समझ में. अब इस पॉइंट के 2 एक्सेप्शंस हैं. इन 2 सिचुएशन के अंदर हम 2 से ज्यादा लेयर भी रख सकते हैं, है ना. पहला कि कोई इंडियन कंपनी है. कौन सी कंपनी बेटा, कोई वो एक्वायर कर रही है किसी फॉरेन कंपनी को. कोई इंडियन कंपनी है जो कि क्या कर रही है, एक्वायर किसको, किसी फॉरेन कंपनी. मतलब क्या है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, वेरी गुड. हम उसे एक्वायर कर रहे हैं, और जो फॉरेन कंपनी हम एक्वायर कर रहे हैं, बोलो बच्चों, जो उसमें 2 से ज्यादा लेयर तक का क्या है, इन्वेस्टमेंट. जिस फॉरेन कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं ना, उसमें मोर देन 2 लेयर्स का इन्वेस्टमेंट है. बट वो कंपनी कहां की है, एंड उस कंट्री के अंदर ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या है, परमिटेड. जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, है ना. मान लो सिंगापुर है, सिंगापुर की कंपनी है एक्स लिमिटेड. हमें एक्स लिमिटेड को क्या करना है, एक्वायर.
अब एक्स लिमिटेड में क्या है, दो लेयर से ज्यादा का क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें दो लेयर से ज्यादा का है. बट सिंगापुर के अंदर ऐसा इन्वेस्टमेंट मान लो क्या है, अलाउड. और फिर रिलायंस कंपनी से क्या कर रही है, एक्वायर. तो देखा जाए तो उसमें दो लेयर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, बट क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है तो फिर रिलायंस कंपनी ऐसा कर सकती है. वापस से, हमारी कंपनी कौन सी है, हम क्या कर रहे हैं, किसको किसी जिसमें दो लेयर से, बट जिस कंट्री में वो वहां पर ऐसा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर. ये समझ में अपने को. सेकंड बोल रहा है कि कोई सब्सिडरी कंपनी है, बोलो बच्चों क्या है कोई, वो क्या रख सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी रख सकती है, उसकी कोई सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है, अगर ऐसा करना इंडिया के किसी एक्ट या प्रोविजन के अकॉर्डिंगली अलाउड है. तो पहला पॉइंट तो हमने क्या बोला बेटा, कि फॉरेन के हिसाब से अलाउड था. पहला पॉइंट तो हमने क्या बोला, बोलो. दूसरे पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, कि इंडिया के हिसाब से अलाउड है. दूसरे पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, तो फिर किया जा सकता. ये चीज आ गई समझ में. कोई सब्सिडरी कंपनी है ना, बोलो क्या है कोई, उसकी भी कोई सब्सिडरी है, उसकी भी कोई, जो कैसी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी. कैसी है, क्या है कोई, उसकी भी कोई सब्सिडरी है, जो कि क्या है. बट ऐसा सब्सिडरी रखना लॉ के हिसाब से अलाउड था ना. ऐसा सब्सिडरी रखना किसके हिसाब से अलाउड था, हम इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं. किसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात नहीं कर रहे हैं. तो अगर कोई सब्सिडरी है, उसकी भी कोई सब्सिडरी है, और जो सब्सिडरी है वो कैसी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी. कैसी है, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट कंपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी कि नहीं करेगी. तो बोले ठीक है, अगर इंडिया के किसी लॉ के हिसाब से ऐसा करना अलाउड था ना, तो कर सकते हैं. एट प्रेजेंट इसके रिलेशनशिप में कोई लॉ है नहीं, एट प्रेजेंट इसके रिलेशनशिप में कोई लॉ है नहीं, नहीं तो मैं एग्जाम्पल दे देता, है ना. इस चीज को पता है क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं बेटा इसे, रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किसमें किया, बोलो बोलो, ए ने किसमें किया, बी में किसने किया, सी में, फिर सी ने आगे करा, फिर नीचे किया, ये क्या होता है, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट. कि जो काम रिलायंस को डायरेक्ट करना चाहिए था, जो काम रिलायंस को, वो उस किसके थ्रू कर रहा है, ए और बी के थ्रू. तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, कौन सा वर्ड है बेटा, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट. हालांकि कंपनी एक्ट में नहीं मिलेगा, सेक्शन में भी नहीं मिलेगा, बट रेगुलर लैंग्वेज में यूज करते हैं डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, कि हमने किसी और में किया, उसने किसी और में, उसने किसी और में. तो इनडायरेक्टली इन सबको कंट्रोल तो कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं ना. अरे फाउंडेशन में बताया था ना, घर को कंट्रोल कौन करता है, पापा की मम्मी, पापा. पापा को कंट्रोल कौन करती है, तो इनडायरेक्टली घर को कौन कंट्रोल कर रहा है, और मम्मी को कंट्रोल कौन करता है, नानी. अरे मम्मी की भी एक मम्मी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वो कंट्रोल कर रही है ना. तो अल्टीमेटली घर को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो देखा जाए तो रिलायंस वही हुआ ना, रिलायंस कंट्रोल कर रहा है ए को, ए बी को, बी सी को, तो अल्टीमेटली सब रिलायंस के पास. ये समझ में आया बेटा. 186 सबसेक्शन 2 हम पढ़ रहे हैं, है ना. 186 सबसेक्शन 2 पढ़ने के लिए या आगे के प्रोविजन पढ़ने के लिए हम अपने हिसाब से चार हेड डिसाइड करते हैं, है ना. सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी या अप्लाई, कि ये प्रोविजंस जो हैं कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल होंगे. तो ये प्रोविजन पब्लिक कंपनी पर भी लगते हैं, प्राइवेट पर भी. मैं कह दूं ये सारी कंपनीज के ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं. ये प्रोविजन पब्लिक पे भी लगते हैं, प्राइवेट पर भी. ये डिफरेंशिएट मैंने इसलिए किया क्योंकि जो पुराना एक्ट था उसमें भी ऐसा ही सेक्शन था, सेक्शन 372A, 372A, वो
प्राइवेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, वो केवल किस पे लगता था, पब्लिक पर. बट जो नया एक्ट का ये वाला सेक्शन है, ये प्राइवेट पे भी लग रहा है और किस पे लग रहा है, पब्लिक. मतलब प्राइवेट कंपनी भी अगर क्या करती है, एलआईजी, और पब्लिक कंपनी भी क्या करती है, अगर एलआईजी. एलआईजी मतलब एल फॉर लोन, लोन देना कि लेना, आई फॉर करना और जी फॉर, तो 186 लग जाएगा पहले चीज, है ना. दूसरा हम लेते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने बता दिया. तीसरा हम लेते हैं पार्टीज, कि किनके साथ ट्रांजेक्शन करोगे तो ये सेक्शन लगेगा, है ना. पहले हमने एप्लीकेबिलिटी देख ली, अप्लाई किस पे हो रहा है, सारी कंपनीज, है ना. तो स्टार्ट कैसे हो रहा है, नो कंपनी, सबसेक्शन टू. स्टार्ट कैसे हो रहा है बेटा, नो कंपनी, नो कंपनी. अच्छा, कंपनी वर्ड दिया ना, कंपनी में कितनी कंपनियां गई, सारे, पब्लिक प्राइवेट सबके ऊपर, है ना. तो क्या बोला है, नो कंपनी शैल प्रोवाइड क्या. तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में पहला बोला है लोन, या ऐसा लिखा है मेक लोन. हम लोन नहीं देंगे. किसको नहीं देंगे, किसी भी पर्सन को या बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं देंगे. ये पार्टीज हो गई जिनके साथ ट्रांजेक्शन करना है. पहला क्या बोला है, आप लोन नहीं दोगे. किसको नहीं दोगे, किसी भी पर्सन को नहीं दोगे, या किसको नहीं दोगे, बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दोगे. फिर जो लोन है उसके रिलेशनशिप में आप गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे. लोन के रिलेशनशिप में आप क्या प्रोवाइड नहीं करोगे, गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे. किसके फेवर में, किसी भी पर्सन के फेवर में या बॉडी कॉर्पोरेट के फेवर में. तीसरा, तीसरा बोला है आप एक्वायर नहीं करोगे. कैसे, सब्सक्राइब करके, परचेस करके या अदरवाइज. किस चीज को बोले, सिक्योरिटीज को. किसकी, तो बोले किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की. तीन चीज पढ़ी हमने. सेक्शन किस पे लगेगा, प्राइवेट पर भी पब्लिक पर. ये मैंने लिखा है, बहुत सिंपल, अभी समझ में आ जाएगा. ये तो केवल मैंने लिखा है, इसलिए मैंने समझाया नहीं है अभी कुछ भी आपको, है ना. पहला, चाहे कौन सी कंपनी हो, पब्लिक हो, चाहे अगर वो क्या देना चाहती है, वेरी गुड, क्या देना चाहती है, किसी भी, या कौन सा सेक्शन लग जाएगा, क्या कंप्लाई करना पड़ेंगे, प्रोविजन. प्रोविजन कौन से, चौथा नंबर वही है, एप्लीकेबिलिटी, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, पार्टीज एंड प्रोविजन. प्रोविजन में बताता हूं कि क्या कंप्लाई करने है. फिर हमारी कंपनी क्या देना चाहती है, गारंटी सिक्योरिटीज. हमारी कंपनी क्या देना चाहती है, जैसे मान लो हमारी कंपनी है रिलायंस, है ना. अब रिलायंस जो है वो क्या करना चाहती है, एबीसी लिमिटेड को लोन देना चाहती है. रिलायंस जो है वो किसको बेटा, क्या देना चाहती है, क्या इस पे 186 लग जाएगा. ब्रीफ में याद कराया ना एलआईजी मैंने, क्या इस पे 186 लग जाएगा, क्योंकि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, एबीसी लिमिटेड. किस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, पर्सन, मतलब सभी तरह के पर्सन. पर्सन में सभी तरह के पर्सन हैं, पर्सन में एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं किया है. पर्सन के अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है सबसेक्शन टू का, एक्सप्लेनेशन दिया है. उस एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि पर्सन के अंदर एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं है. इसका मतलब मैं ये बोलूं क्या, कि अगर एम्प्लॉय को लोन दिया तो 186 नहीं लगेगा, क्या इसका मतलब यही निकलता है. हाँ, इसका यही मतलब निकलता है कि पर्सन में इन्होंने किसको इंक्लूड नहीं किया है, एम्प्लॉय को.
तो अगर मैं किसको लोन दूं तो क्या नहीं लगेगा? जैसे रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी को लोन देना चाहती है, रिलायंस कंपनी किसको लोन देना चाहती है? मुकेश अंबानी कंपनी का क्या है? एमडी. क्या है बेटा? मतलब वो एम्प्लॉय हो गया तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? उस पर 185 लगेगा. पढ़ते हैं अपन अभी. ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे हम, ये हमने अलाउ कर दिया. उसका दूसरा सेक्शन है, उस पर 185 लगेगा. बट रिलायंस कंपनी शर्मा जी को लोन देना चाहती है. रिलायंस कंपनी किसको बेटा? क्या शर्मा जी एम्प्लॉय है? नहीं. तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 186 लगेगा. देने की मनाही नहीं किया, हम दे सकते. मैं प्रोविजंस बताता हूं आगे. यहां तक की कहानी समझ में आई अपने को? चल अब मान लो कि वर्मा जी हैं. वर्मा जी ने एसबीआई से लोन लिया. बोलो किसने बेटा? किससे लोन लिया? हमारी कंपनी तो यही है. छोटी मोटी कंपनी में तो है ही नहीं. हूं हम तो कौन सी कंपनी में? रिलायंस में, है ना. अब रिलायंस ने वर्मा जी को लोन दिया क्या? नहीं. वर्मा जी ने लोन किससे लिया? बोलो. बट इसके रीपेमेंट की गारंटी और सिक्योरिटी कौन दे रही है? रिलायंस. मतलब रिलायंस बोल रही है कि अगर वर्मा जी ने पैसे, मैं हूं ना, मैं दूंगी. मतलब रिलायंस कंपनी क्या बन रही है? शाहरुख खान. रिलायंस ने डायरेक्टली लोन दिया क्या? नहीं. वर्मा जी ने लोन किससे लिया? तो हमें क्या, हम तो है ही नहीं इसमें कहीं भी. हमें तो कोई प्रोविजन कंप्लाई करना ही नहीं है. आपने बिल्कुल सही समझा. बट रिलायंस ने क्या दी? गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था गारंटी, दूसरे के ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए अपना ऑब्लिगेशन बनाना. हु इज टेकिंग लोन? किसका ऑब्लिगेशन है? किसके लिए? बट वर्मा जी का ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए रिलायंस ने क्या बोला? ये हो गई गारंटी. ये हमने हमारी असेट्स पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी. तो हम डायरेक्टली लोन नहीं दे रहे हैं, बट इनडायरेक्टली लोन दिलवा तो रहे हैं. और कल से अगर वर्मा जी ने पैसे तो कौन देगी? तो एज गुड एज रिलायंस ने लोन दिया. ये समझ में आया? ये आपका दूसरा पॉइंट है. क्या है दूसरा पॉइंट? कि भैया लोन आपने किसी से भी लिया हो, लोन आपने, लोन के रीपेमेंट की गारंटी और सिक्योरिटी हमारी कंपनी दे रही है. एक तो ये हमारी कंपनी खुद लोन दे रही है तो 186 लग जाएगा. दूसरा ये हमारी कंपनी ने लोन नहीं दिया, उसने लोन किसी और से लिया. बट उसको गारंटी या उसके फेवर में सिक्योरिटी कौन दे रही है? हमारी कंपनी. तो भी कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 186 लग जाएगा. तो जैसे हमने एबीसी लिमिटेड को लोन नहीं दिया, हम उसे लोन नहीं दे रहे. एबीसी लिमिटेड ने मान लो आईसीआईसीआई से लोन लिया है, बट एबीसी लिमिटेड के फेवर में गारंटी कौन दे रहा है? रिलायंस. अगर गारंटी दे दी या क्या दे दी? सिक्योरिटी. तो भी कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 186 लग जाएगा. कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 186. एक कहानी समझ में आई क्या? ओ पागलो, क्या हम क्या दें? या लोन हमने भाई ने कहीं, बट भाई के फेवर में. तो कोई भी पर्सन हो, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी, चाहे लोन उसने किसी से भी, उसके फेवर में अगर हम, कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 186. ठीक है. पर्सन में किसको इंक्लूड नहीं किया है? एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं किया. ये समझ में आया अपने को? तीसरा वाला ट्रांजेक्शन केवल बॉडी कॉर्पोरेट का ही हो सकता है. मैंने यहां पर्सन नहीं लिखे. क्यों? आप और मैं शेयर्स इश्यू कर सकते हैं क्या? सिक्योरिटीज इश्यू कर सकते हैं क्या? नहीं. तो तीसरा क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट. तीसरा क्या बोला है बेटा? बोला कैसा है? बोले हम एक्वायर कर रहे हैं. कैसे एक्वायर कर रहे हैं? सब्सक्राइब करके, या क्या करके? परचेस करके, या अदरवाइज किसी चीज, किसी तरीके से. किसको? बोले सिक्योरिटीज को. किसकी? बोले किसी बॉडी कॉर्पोरेट की.
आपूर्व में सिक्योरिटी इश्यू कर सकते हैं क्या? बट आपूर्व में लोन और गारंटी वाला ट्रांजैक्शन तो कर सकते हैं, इसलिए यहां पर्सन लिखा है और बॉडी कॉर्पोरेट भी लिखा है, बट तीसरे वाले में केवल क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट. तीसरे वाले में क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट. ये चीज आई समझ में अपने को? चलो वापस से लेते हैं. हम क्या कर रहे हैं? कैसे मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना है. कितने मार्केट होते हैं? प्राइमरी मार्केट और अबे सिक्योरिटी में पढ़ा होगा ना. प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? मैं डायरेक्टली कंपनी से शेयर ले रहा हूं. प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? जब मैं प्राइमरी मार्केट से शेयर्स लेता हूं तो मैं शेयर सब्सक्राइब कर रहा हूं, इसलिए वर्ड दिया सब्सक्राइब करके. मतलब मैं प्राइमरी मार्केट से शेयर्स लूं तो भी 186 लग जाएगा. दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से खरीदूं, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदूं. वहां मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूं, वहां मैं क्या करता हूं? परचेस. वहां मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूं, वहां मैं क्या करता हूं? परचेस. तो उन्होंने दोनों चीज ले ली. बोले आप प्राइमरी मार्केट से शेयर्स खरीद लो, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स खरीद लो, कैसे भी अगर आप, अच्छा शेयर्स नहीं, कौन सा वर्ड दिया है? सिक्योरिटीज में सब आ जाते हैं. शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, सभी तरह की चीजें, सभी तरह की, हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसे इश्यू करके कंपनी क्या रेस करती है? फंड. दैट इज सिक्योरिटीज. शेयर्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सिक्योरिटी. सिक्योरिटीज मतलब क्या? एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसे इश्यू करके कंपनी क्या रेस करती है? फंड. हालांकि पहले पेज पर सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी है, शायद सेकंड पे दी है. चिदाई समझ में अपने को, है ना? तो यहां तीसरा पॉइंट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट का. इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला? हम एक्वायर कर रहे हैं. कैसे एक्वायर कर रहे हैं? सब्सक्राइब करके, परचेस करके, या अदरवाइज किसी चीज से. किस चीज को? सिक्योरिटी. किसकी? कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 186. तो हमने इन तीनों का स्टार्टिंग का वर्ड ले लिया और क्या बना दिया? एलआईज. ब्रीफ में, क्योंकि बार बार मैं लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी बोलूं, इससे अच्छा हमने एक ही वर्ड बोल दिया, क्या? एलआईज. तो इन तीन में से अगर कोई भी काम आपको करना है तो कौन सा सेक्शन लगता है? 186. इन तीन में से अगर, तो क्या लगता है? प्रोविजंस में आपको सबसेक्शन वाइज नहीं बता रहा हूं, भले बाद में आपको मैं सबसेक्शन नंबर बता दूंगा, बट पढ़ने के हिसाब से या याद करने के हिसाब से जिस तरह से करना चाहिए हम उस तरह से देख रहे हैं, है ना? आप बोलोगे तो मैं सबसेक्शन नंबर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको उस तरह से बता रहा हूं ताकि आपको लर्न करना क्या रहे? इजी. ठीक. अब अगर हम क्या करना चाहते हैं? एलआईजी. क्या करना चाहते हैं बेटा हम? तो हमें क्या प्रोविजन कंप्लाई करने हैं वो हम देख रहे हैं. अगर सेक्शन 186 एप्लीकेबल हो गया तो हमें क्या प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं वो हम देख रहे हैं, है ना? तो क्या बोले हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? बोले हां कर सकते हैं. इसके लिए हमें बोला है आप देख लो ट्रांजैक्शन लिमिट में है या आउटसाइड द लिमिट है. इसके लिए हम क्या चेक करते हैं बेटा कि ट्रांजेक्शन लिमिट में है या लिमिट के बाहर है. बोले लिमिट मतलब लिमिट क्या है? तो बोले अगर कंपनी क्या देना चाहती है? लोन या इन्वेस्टमेंट या गारंटी. तो जो ऑलरेडी कंपनी एलआईजी कर चुकी है, मैंने 181C में भी समझाया था ना पॉइंट बेटा, कि जब हम क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं तो पहले एग्जिस्टिंग बोरोइंग देखते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं. तो जब हम नया लोन दें, नया इन्वेस्टमेंट करें, नई गारंटी दें, तो सबसे पहले ये देखो आप पहले कितना लोन दे चुके हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, कितनी गारंटी दे चुके हो. ठीक है. तो जो ऑलरेडी हमने एलआईजी किया है, ऑलरेडी एलआईजी क्या मतलब समझ में आया ना? ऑलरेडी हम क्या दे चुके हैं? एंड जो प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड लोन, इन्वेस्टमेंट या गारंटी है, इनका एग्रीगेट. बोलो बच्चों क्या बोला है? इनका
एग्रीगेट है ना, तो इनका एग्रीगेट जो है वो 60% ऑफ पीएफएस, पी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, एफ मतलब, एस मतलब, ठीक है, तो इनका जो टोटल आएगा वो 60% ऑफ पीएफएस या 100% ऑफ एफएस, विच एवर इज हायर, ये आपकी क्या है लिमिट, इतना अमाउंट तक का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्या मतलब हुआ, जैसे मेरी कंपनी की पेडअप कैपिटल है 100 लाख, मेरी कंपनी का फ्री रिजर्व है 200 लाख, मेरी कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है 300 लाख, तीनों का टोटल कितना हुआ 600 लाख, ठीक है, क्या हुआ, हाँ, तो हमने क्या बोला पेडअप कैपिटल कितनी है बोलो, फ्री रिजर्व कितना, स्पा कितना है, टोटल कितना हो गया, तो 60% ऑफ पीएफएस मतलब कितना बोला मैंने 600 लाख का, कितना परसेंट मतलब 360 लाख, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, दूसरा क्या बोला 100% ऑफ फ्री रिजर्व कितना मेरा 200, स्पा कितना है 300, दोनों का टोटल 500, इसका कितना परसेंट कितना आया, तो 500 या 360 दोनों में से ज्यादा क्या, ये मेरी लिमिट है, ये मेरी क्या है बेटा, इतने अमाउंट तक मैं लोन दे सकता हूं, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, ये मेरी लिमिट है। और अगर मैं ट्रांजेक्शन काहे में कर रहा हूं लिमिट में, अगर मैं ट्रांजेक्शन काहे में कर रहा हूं बेटा लिमिट में कर रहा हूं, तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए, कहां पर, बोर्ड मीटिंग, कहां पर बेटा, और उसके लिए लिखा है कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट मतलब यूनेनिमस कंसेंट चाहिए मुझे, यूनेनिमस कंसेंट मतलब इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए मुझे सारे के सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए। नॉर्मली जब हम क्या पास करते हैं रिजोल्यूशन, क्या पास करते हैं जब हम, तो बोर्ड रिजोल्यूशन जब पास करते हैं तो मेजोरिटी की कंसेंट लगती है, मेजोरिटी मतलब आधे से ज्यादा, किसकी कंसेंट लगती बोलो, मेजोरिटी की कंसेंट लगती है, बट यहां यहां क्या बोला है कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट, इसे यूनेनिमस कंसेंट बोला जाता है, यूनेनिमस मतलब सर्वसहमति, सर्वसहमति मतलब जितने आए हैं मीटिंग में सबकी मुझे क्या चाहिए कंसेंट। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा मेरी लिमिट, अगर ट्रांजेक्शन मेरी लिमिट में आ रहा है, अगर ट्रांजेक्शन काय में आ रहा है मेरी, और फिर मुझे वो ट्रांजेक्शन करना है, तो मैं केवल क्या पास करूंगा बोर्ड रिजोल्यूशन, मतलब मैं क्या कॉल करूं, क्या कॉल करूं, बोर्ड मीटिंग में जितने, बोर्ड मीटिंग में जितने मैं सबकी क्या ले लूं, तो मैं वो काम। बट अगर मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं लिमिट, अभी मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं पूरे का, है ना, अगर मैं क्या क्रॉस कर रहा हूं बेटा, तो सबसे पहले मुझे बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यूनेनिमस कंसेंट तो चाहिए ही, उसके बाद मुझे प्रायर अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर की स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, उसके साथ मुझे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी अप्रूवल चाहिए। अगर मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूं तो, अगर मैं लिमिट के अंदर हूं तो आई नीड अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली,
But if I am crossing the limit, limit मैंने आपको बताई, then I need very first approval of board of directors unanimously. Secondly, after getting approval of board of director, I will have to call general meeting and approval of shareholder bypassing a. And फिर मुझे किसकी approval लगेगी? Public financial institution की. लेकिन मुझे public financial institution की approval तब लगेगी जब मैं ये दो conditions पूरी होती हो तो उनकी approval लगेगी, otherwise उनकी approval नहीं लगेगी. पहला, मैंने उनसे क्या ले रखा हो? Term loan. मैंने किसी public financial institution से क्या ले रखा है बेटा? Loan ले रखा है. मैंने उनसे borrowing कर रखी है. ठीक है, मैंने उनसे क्या कर रखी है? एंड उसके रीपेमेंट में, उसके इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में मैंने डिफॉल्ट किया है. क्या मतलब? मैंने खुद बैंक से लोन ले रखा है. मैंने खुद किससे लोन ले रखा है? जिसका मैं रीपेमेंट कर नहीं रहा हूं और दूसरों को लोन बांट रहा हूं. ये कौन सी बात हुई बे? मेरे पास अगर ज्यादा पैसा है तो पहले मैं मेरा ऑब्लिगेशन पूरा करूं ना. मैंने खुद ने लोन ले रखा है ना, जिसका मैं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर नहीं रहा हूं और मैं दूसरों को लोन बांट रहा हूं. ये कौन सी बात हुई? मेरे पास अगर ज्यादा पैसा है देन पहले मैं उस पैसे को अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने में यूज करूं ना. तो अगर क्या बोला है, मैंने लोन ले रखा है, किससे लोन ले रखा है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. और उनके रीपेमेंट में या उनके इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में मैंने क्या किया है? डिफॉल्ट. और फिर भी मैं दूसरों को लोन देना चाहता हूं, फिर भी मैं क्या करना चाहता हूं? तो पहले इनसे भी पूछू ना यार, पैसा तो इनका है ना, लिया तो मैंने इनसे है ना, मैं इनसे भी पूछू. ये चिड़ाई समझ में? दूसरी कंडीशन यह है कि लिमिट क्या हो रही है? क्रॉस है ना. तो मैंने लिखा ही इधर है कि लिमिट क्रॉस हो रही है. तो अगर एक तो हमारी लिमिट क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है. बोलते जाओ बच्चों, क्या हो रही है? एक तो हमारी. एंड ऑलरेडी वी हैव मेड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट और पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एनी लोन ऑप्टेंड फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देन वी नीड टू ऑप्टेन अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. जिसका लॉजिक समझ में आया, तेरे पास ज्यादा पैसा है ना तो पहले अपने लोन का पेमेंट कर. तू तेरा खुद का लोन तो दे नहीं रहा है, दूसरों को बांटता फिर रहा है, इतनी बदतमीजी मत कर. सीधी सी बात है. ये चीज आई समझ में अपने को? रिवाइज करना है इसको. चले बोले हम क्या देखेंगे कि अगर हमें क्या करना है? LIG करना है ना, तो हम क्या देखें कि ट्रांजेक्शन लिमिट में है या? बोलो ट्रांजेक्शन. हाँ, तो लिमिट क्या है हमारी? 60% ऑफ या विच एवर इज. तो जितना हायर आ रहा है वो हमारी क्या हो गई? उस लिमिट में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं? LIG. LIG मतलब क्या दे सकते हैं? या बट हमेशा क्या देखना है कि जो हाँ और उनका टोटल लिमिट के अंदर होना चाहिए. उनका टोटल काय में होना चाहिए? अगर वो लिमिट को क्या कर रहा है? क्रॉस. तो फिर यहां आ जाओ आप. पहले आप किसकी अप्रूवल लोगे? अच्छा, लिमिट के अंदर है तो किसकी अप्रूवल लगेगी? कहां पर? कैसे नहीं? RBC. अरे यार ये लिख दिया बोर्ड मीटिंग, इसका मतलब यही हो गया ना, RBC से नहीं करना यार. तो ये कहां होगा? केवल. कैसे नहीं? एंड बोर्ड मीटिंग में जितने भी सबकी क्या लगेगी? अब अगर ट्रांजेक्शन लिमिट के बाहर है तो भी बोर्ड की अप्रूवल लगेगी? कहां पर? कितने डायरेक्टर की है ना, ये वही लिखना है. कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग. फिर उसके बाद किसकी अप्रूवल लेंगे? प्रायर अप्रूवल लेना है, सबसिक्वेंट. प्रायर मतलब लोन देने के पहले लूं बाद में? शेयर होल्डर की. कौन सा रेजोल्यूशन? फिर हम क्या चेक करेंगे? क्या हमने
लोन लिया है क्या? हां लिया. लोन के रिपेमेंट में क्या हुआ है? और आप लिमिट के भी बाहर जा रहे हो ना, तो बोले उनसे भी पूछ लो. ये दोनों कंडीशन कंप्लाई होना चाहिए. मान लो मैंने लोन लिया है बट लोन के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, बट मैं लिमिट से ज्यादा का दूसरों को क्या दे रहा हूं? लोन. मैं पूछूंगा नहीं. क्यों नहीं पूछूंगा? तेरा पैसा मैं दे रहा हूं ना, तू फिर मेरे फटे में टांग क्यों अड़ा रहा है? तेरे को तेरा पैसा टाइम से मिल रहा है ना, तू मत बोल, मत कर बकवास, खत्म कर. तो ये दोनों कंडीशन, डिफॉल्ट भी हो और लिमिट भी क्रॉस हो. मान लो डिफॉल्ट तो हुआ है, क्या हुआ है? बट लिमिट क्रॉस नहीं किए. आप 60% या 100% की लिमिट में दे रहे हो तो भी आपको पीएफआई से पूछने की जरूरत नहीं है. पॉइंट आया समझ में? पेड अप कैपिटल कितनी है? 100 लाख. फ्री रिजर्व कितना था? 200 लाख. और स्पा, स्पा कितना था? 300 लाख. टोटल कितना हो गया? 600 लाख. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारी कंपनी तो कौन सी बेटा? बचपन से यही है ना. फिर बोला है आरआईएल जो है वो एबीसी लिमिटेड को क्या देना चाहती है? लोन. बोले कितने का लोन देना चाहती है? बोले 150 लाख का. कितने का लोन देना चाहती है बेटा? तो बताएं हमें कौन से प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं, है ना. तो हम सबसे पहले हमारी क्या निकालेंगे? लिमिट. रिस्पॉन्स करते जाएंगे. क्या निकालेंगे सबसे पहले? लिमिट के लिए क्या देखना अपने को? इसका 60% कितना आया, या इन दोनों का 100% कितना आया? दोनों में से ज्यादा क्या? ये हमारी क्या हो गई? हम ट्रांजैक्शन कितने का कर रहे हैं? अब ये देखो, क्या इसके पहले आपने एलआईजी किया है क्या? तो बोले नहीं, ये हमारा पहला ही ट्रांजैक्शन है, इसके पहले हमने एलआईजी नहीं किया. नहीं किया मतलब हमारा ट्रांजैक्शन कितने रुपए का है? हमारी लिमिट कितने की है? लिमिट के अंदर है कि बाहर है? अंदर है कि बाहर है? क्या प्रोविजन कंप्लाई करोगे? बोले बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे. क्या प्रोविजन कंप्लाई करोगे? मैंने इसलिए बता दिया ना, लिमिट के अंदर है लिमिट के बाहर है, तो बोले ट्रांजेक्शन कायम है. और अगर ट्रांजेक्शन कायम है तो हमें क्या कॉल करनी है? बोर्ड मीटिंग में जितने सबके क्या ले लो, सबने क्या दे दी, रिजोल्यूशन पास हो गया. और अगर क्या पास हो गया, दे दे. चलो ये हमने लोन दे दिया. कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट, एक्स वाई जेड लिमिटेड है. बोलो कौन सी कंपनी बेटा? एक्स वाई जेड लिमिटेड के हमें क्या करने हैं? 400 लाख रुपए का उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है. हमें उसे 400 लाख के क्या खरीदने हैं? शेयर्स. हम देखते हैं ट्रांजेक्शन लिमिट में के बाहर है. सबसे पहले तो हम हमारी लिमिट निकाल लेंगे. हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें हमारी क्या निकालनी है? लिमिट. हमारी लिमिट कितनी आई? 500. अब क्या पहले एलआईजी क्या है क्या इसके पहले? कितने का? ये ऑलरेडी कर चुके हम. प्रपोज्ड कितना है? अभी कितना करना है बोलो? 400. दोनों का टोटल कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? क्या लिमिट क्रॉस कर रहा है? तो ये 400 लाख के लिए आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है. और अगर क्या क्रॉस हो रही है, तो पहले क्या कॉल करोगे? फिर क्या कॉल करोगे? किसकी अप्रूवल लोगे? कौन सा रिजोल्यूशन? फिर क्या चेक करोगे? पीएफआई है? हाँ. डिफॉल्ट है? हाँ. परमिशन ले ले. बोले पीएफआई तो है बट डिफॉल्ट नहीं. मतलब परमिशन. आया समझ में? चले. फिर मान लो हमें दिया है कि शर्मा जी जो हमारी कंपनी के अकाउंटेंट है, शर्मा जी क्या है हमारी कंपनी के, हमें उन्हें 100 लाख का क्या देना है? लोन. 100 लाख का क्या देना बेटा उन्हें? लोन देना है. ठीक है. तो लोन दे रहे तो 186 लगता है. तो सबसे पहले हम पुराना एलआईजी देखें. पुराना एलआईजी कितने का था? पुराना एलआईजी कितने का था? 550. नया कितने का दे रहे हैं? तो देखा जाए तो लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है? बट ये व्यक्ति कौन है? अकाउंटेंट. कौन है अकाउंटेंट? हमारा क्या होता है? क्या होता है? तो भले ही क्या क्रॉस हो रही है, इस पे तो 186 ही नहीं लगेगा. और अगर इस पे दे दे, कौन सा सेक्शन?
वैसे 179 185 दोनों में से कुछ भी लग सकता है. 179 में भी पढ़ा था ना बेटा लोन देना. 179 पढ़ा था ना, उसमें था ना लोन दो, लोन लो, इन्वेस्टमेंट, उस पर भी 179 लगता है. और मैंने बोला था इनका डिटेल सेक्शन मिलेगा आगे. तो ये तो हमें देखना ही नहीं है, खत्म. चल फिर मान लो अब रिलायंस कंपनी क्या करना चाहती है कि बोले वर्मा जी है, उन्होंने एसबीआई से लोन लिया है कितने का, 50 लाख का, और उसके फेवर में हम क्या दे रहे हैं, गारंटी. क्या 186 लगेगा क्या लिमिट में, लिमिट के बाहर? तो लिमिट देखने के लिए हम पुराना ट्रांजेक्शन देखें. पुराना कितना, 550 की 650, इसको तो देखना ही नहीं है, है ना. तो हमने क्या देखा कि 50 और कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 600, मतलब लिमिट से. तो केवल इस 50 लाख का आपको गारंटी देने के लिए भी पहले क्या कॉल करनी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, फिर क्या चेक करो पीएफआई. यही समझ में कि नहीं आई? चलो कितने का इन्वेस्टमेंट किया था हमने, सेल कर दिया. क्या कर दिया, 186 लगेगा? नहीं बे, वो तो परचेस करने पे लगता, एक्वायर करने पे लगता है ना. ये एक्विजिशन है क्या, ये अपोजिट ऑफ एक्विजिशन है ना. ये क्या है, सेल कर दिया ना, लगेगा क्या? नहीं. चल अब मान लो हमारी कंपनी है वो टाटा मोटर्स लिमिटेड को 100 लाख का लोन देना चाहती है. अब देखो ट्रांजेक्शन लिमिट में, एक लिमिट के बाहर. तो हम पहले पुराना ट्रांजेक्शन देखें. पुराना ट्रांजेक्शन कितने का है? अब 550 में से 400 तो वापस आ गए ना. 550 में से कितने वापस आ गए? ये 400 का सेल कर दिया ना हमने, ये पैसा आ गया ना. इज इट योर इन्वेस्टमेंट नाउ? तो इसको काउंट क्यों करेंगे बे? समझ रहे हो मैंने क्यों पूछा ये पॉइंट? ये आप, अच्छा ये भी हो सकता है ना लोन वापस आ जाए. लोन वापस आ जाएगा तो लिमिट फिर कम हो जाएगी. तो हमने 400 का बेच दिया. अब बेच दिया तो पुराना ट्रांजेक्शन केवल कितना बचा, कितना बचा, और 50 ये मतलब कितना, और हमें और कितना देना है, तो कितना हुआ? ये तो लिमिट में जा रहा है, कायम में जा रहा है. तो केवल क्या लगेगा, बोर्ड मीटिंग. तो बेटा ये तो चेंज होती रहेगी. ऐसा नहीं है कि एक बार लिमिट के क्रॉस हो गए तो हमेशा लिमिट के क्रॉस. क्यों, मान लो ये 150 लाख का लोन वापस आ गया. अरे लोन दिया तो वापस आएगा ना कि नहीं आएगा? मान लो उसने पेमेंट वापस कर दिया. अब अगर उसने वापस कर दिया पेमेंट, तो ये 550 जो था वो घट के कितना बचेगा, 400. और ये कितने का लोन दे रहा है, 100. अगेन लिमिट में ही तो ये चीज आ रही है ना समझ में. तो हमें हमेशा ये देखना है कि जिस डेट पर हम एलआईजी कर रहे हैं उस डेट पर एग्जिस्टिंग एलआईजी कितना है. ये पॉइंट आया समझ में? अब हमने क्या कॉल की बेटा, बोर्ड मीटिंग. हमने क्या कॉल की, 15 डायरेक्टर हैं, कितने डायरेक्टर हैं कंपनी में, कितने डायरेक्टर हैं, बोर्ड मीटिंग में आए 14. बोर्ड मीटिंग में कितना है, 14 की 14 यस कह रहे हैं. क्या रिजोल्यूशन पास है? हर पॉइंट पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है 186 के, मजाक मत समझो इसको. हर सब सेक्शन पर क्वेश्चन बनते हैं इसके, हर पॉइंट पर. तो कंपनी में डायरेक्टर कितने, ओ पागलों, मीटिंग में कितना है, 14 की 14 हाँ कर रहे हैं. बताओ रिजोल्यूशन पास है? हाँ. कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट, प्रेजेंट कितने हैं, 14 हां कर रहे हैं, हां पास है. अभी आया समझ में? चलो कितने डायरेक्टर हैं, मीटिंग में भी 15 आए हैं, मीटिंग में कितने आए, 14. तो क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रल है भाई, ना हां के रिया है ना उसकी गाड़ी गियर में आई नहीं रही है. ये सब एग्जाम के क्वेश्चन में टाइम पास नहीं कर रहा हूं, बोलो. रिजोल्यूशन फेल है क्योंकि आए कितने हैं, तो 15 की कंसेंट चाहिए. कितने डायरेक्टर प्रेजेंट हैं,
15, 15 की हां चाहिए, सीधी सी बात। आया समझ में, कर लेंगे इसको। फिर हम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें ये LIG के बारे में बताना पड़ेगा कि हमने इतना लोन दे रखा है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतना गारंटी दे रखा है, उसकी पूरी डिटेल आपको कहां देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये चिटाई समझ में। इवन डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर, काय के अंदर, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर भी ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है। यहां तक की कहानी समझ में आई? अच्छा, एक एक्सेप्शन रह गया है ना। बोले रिलायंस है, बोलो बच्चों क्या है? रिलायंस है ना। रिलायंस LIG कर रही है किसके साथ? होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ। किसके साथ बेटा? मतलब कोई भी कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को क्या दे? लोन। क्या करे? इन्वेस्टमेंट। क्या प्रोवाइड करे? उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, इवन इफ सच कंपनी इज क्रॉसिंग द लिमिट। ये केवल सबसेक्शन 2 का एक्सेप्शन है। दूसरा, हमारा जॉइंट वेंचर है, क्या है बेटा? उससे हम लोन दें या गारंटी दें, उसे हम क्या दें बेटा, या क्या दें, तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। मतलब बाकी सारे प्रोविजन कंप्लाई करने हैं, बाकी सारे प्रोविजन कंप्लाई करने हैं, केवल एग्जम्पशन किस चीज से है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। वापस से दो पर्सन बताएं, क्या आप इन पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो? कौन से दो पर्सन? बोले जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्या वो आपकी होली ओन सब्सिडरी है? होली ओन सब्सिडरी क्या होती है? जिसमें 100% इन्वेस्टमेंट हमारा है, वो पागलो, होली ओन सब्सिडरी क्या होती है? तो जैसे मान लो कोई कंपनी है PQR लिमिटेड, इसकी पेडअप कैपिटल है 1 करोड़, इसकी पेडअप कैपिटल कितनी है? और पूरा 1 करोड़ के शेयर किसके पास है? तो PQR लिमिटेड रिलायंस की क्या हो गई? होली ओन सब्सिडरी। क्या हो गई? तो ये देखा जाए तो एक तरह से रिलायंस खुद ही है, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो किसका है? 100% स्टेक किसका है? इसको चला कौन रहा है? सब कुछ किसका है? तो रिलायंस अगर लोन दे रहा तो अपने आप अपने खुद के लिए पैसा यूज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा तो अपने खुद के लिए कर रहा है, गारंटी दे रहा तो अपने, वो देना क्या टेंशन। होली ओन सब्सिडरी होना चाहिए, केवल सब्सिडरी है ना, केवल सब्सिडरी समझते हो? जैसे ABC लिमिटेड है, उसमें 60% होल्डिंग रिलायंस की है, वो केवल सब्सिडरी हो जाएगी। यहां कितनी होल्डिंग थी तो वो क्या हो जाएगी? तो होली ओन सब्सिडरी को आप लोन दो, आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करो, आप गारंटी प्रोवाइड करो, यू नीड नॉट टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। बाकी सारे प्रोविजन कंप्लाई करने जो अभी तक मैंने बता दिए या मैं बताऊंगा, केवल किसकी अप्रूवल नहीं लेनी है? शेयर होल्डर, भले वो लिमिट से क्या हो रहा हो, ज्यादा। बट अगर मैं ABC को देता हूं, क्या ABC मेरी सब्सिडरी है? हाँ, बट ABC क्या नहीं है? होली ओन सब्सिडरी। और क्योंकि ABC क्या नहीं है, इसको दिया तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो। ये चीज आ गई समझ में अपने को? इसी तरह से मेरा जॉइंट वेंचर है, क्या है बेटा? ज्वाइंट वेंचर पहले भी समझाया था मैंने, क्या होता है ज्वाइंट वेंचर? दो अलग अलग बिजनेस साथ में मिलकर काम करते हैं, जैसे हीरो होंडा, तो जॉइंट वेंचर है हीरो और होंडा के बीच में, मारुति सुजुकी टाटा डोकोमो ये सब क्या है? कावासाकी बजाज इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये सब क्या है? जॉइंट वेंचर है। क्या है बेटा ये?
तो जॉइंट वेंचर में भी देखा जाए तो मेरा ही बिजनेस है, तो जॉइंट वेंचर को अगर मैं लोन या गारंटी देता हूं, जॉइंट वेंचर के लिए मैं क्या देता हूं या क्या देता हूं, तो स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लगेगा, बट जॉइंट वेंचर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो लग जाएगा। जॉइंट वेंचर केवल दो के लिए एग्जम्प्टेड है, लोन और गारंटी। मैंने इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, यहां मैंने LIG लिखा, यहां मैंने तीनों के रिलेशनशिप में बोला है, बट यहां केवल किस किस का है, लोन और गारंटी। समझ में आए, कर लेंगे इसको। ये बोल रहा है कि कोई कंपनी है ना, ध्यान से समझ लेना रे, क्या बोला है, कोई जो सेबी के सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है, कोई कंपनी है ना जो सेबी के सेक्शन, सिंपल वर्ड में बोलूं तो एज एन इंटरमीजरी वो क्या है, रजिस्टर्ड। सिक्योरिटी में पढ़ा होगा कि जितने इंटरमीजरी होते हैं सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेक्शन 12, वो वही सेक्शन है, बोले सेबी के सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड, एंड उस क्लास से रिलेटेड है जैसा कि क्या किया जाए, प्रिस्क्राइब। पहला तो वो कंपनी है, दूसरा वो क्या हो, सेबी के सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड हो, बोलो सेबी के सेक्शन, तीसरा वो उस क्लास से या कैटेगरी से रिलेटेड है जैसा कि क्या किया जाए, प्रिस्क्राइब, है ना। तो वो अगर टेक मतलब क्या, लेना, वो अगर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ले रही है, लोन ले रही है, मतलब किसी दूसरी कंपनी से वो लोन या डिपॉजिट ले रही है, तो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा नहीं लेगी। ये लिमिट कौन सी, जो सेबी अंकल ने इनके लिए प्रिस्क्राइब कर रखी है। वापस से सबसेक्शन 7, है ना। सबसेक्शन 7 में क्या बोला है, बोले कोई कंपनी है ना जो सेबी के सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है ना, और प्रिस्क्राइब क्लास से भी रिलेटेड है ना, वो अब क्या ले रही है, इंटरकॉर्पोरेट मतलब बिटवीन टू कंपनीज। इंटर स्टेट होता ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटरकॉर्पोरेट मतलब बिटवीन टू बॉडी कॉर्पोरेट, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। यहां इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, इंटरकॉर्पोरेट। इंटरकॉर्पोरेट मतलब बिटवीन टू कंपनीज, फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। ये भी कंपनी है और जिससे लोन ले रहे हैं वो भी क्या है, कंपनी। तो जब आप लोगे ना तो बोले प्रिस्क्राइब लिमिट में लोगे, आप लोगे ना तो काहे में लोगे बेटा, अरे प्रिस्क्राइब लिमिट कौन सी वाली है, जो सेबी अंकल प्रिस्क्राइब करके रखते हैं। ये पॉइंट आ गया समझ में, रिवाइज करना वापस से, बोलो कौन सा सबसेक्शन है। सबसेक्शन याद रह जाए तो करना, नहीं तो इस सेक्शन के मैं सबसेक्शन याद करने की बोल भी नहीं रहा हूं। 186 याद करें, है ना, आपको सबसेक्शन याद रह जाए इसके तो याद करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, 186 याद रखो बस, है ना। तो क्या बोला है, कोई विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ऑफ एंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपनीज एज मे बी शेल नॉट टेक इंटर कॉर्पोरेट एक्सीडिंग द लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब। और वो प्रिस्क्राइब कौन करता है, सेब। ये चीज आ गई समझ में। ये सब सेक्शन 6 है, है ना, गलती से मैंने 7 बोल दिया, सब सेक्शन कौन सा है, ये 6। नेक्स्ट सब सेक्शन 7, ये जो पढ़ा था ना अपन ने सेबी वाला, वो कौन सा था, सब सेक्शन 6। अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन 7। अब बेटा हम क्या दे रहे हैं, लोन, वो पागलो, क्या दे रहे हैं हम, मैंने पहले बोल दिया सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, आप केवल प्रोविजंस पे ध्यान लगाएंगे, है ना। हम क्या दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट दोगे कि लोगे, तो सोच समझ के बोला करो। हम क्या दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा,
क्या बिना इंटरेस्ट का लोन दे सकते हैं? नहीं. क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है? तो उसका आंसर है नो, जो कहां दिया है 186 सबसेक्शन 7 में. क्या कंपनी इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है? बोले नहीं, इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकती. क्या प्राइवेट कंपनी दे सकती है? बोले नहीं, क्योंकि 186 तो प्राइवेट पे भी लगता है, 186 तो सारी कंपनीज पे लगता है. तो अगर आप लोन दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना ही पड़ेगा. आप इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकते हो. आंसर में क्या लिखेंगे अपन? कि 186 सबसेक्शन 7 यही बोलता है कि अगर कंपनी क्या देती है? लोन. तो कंपनी को क्या चार्ज करना पड़ेगा? इंटरेस्ट. एंड इंटरेस्ट भी जो प्रिवेलिंग यील्ड है, इंटरेस्ट भी क्या है जो प्रिवेलिंग यील्ड, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न. बोले काहे के ऊपर? बोले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर. काहे के ऊपर बेटा? बोले जिनका ड्यूरेशन कितना हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, या इनसे क्लोज हो, नियरेस्ट हो. समझा रहा हूं, एक बार पूरा बोल लू, मैं बता रहा हूं, है ना. हमें क्या बोला है कि आप लोन दे रहे हो ना, तो बोले इंटरेस्ट चार्ज करना जरूरी है. अब बोले कितना इंटरेस्ट चार्ज करूं? मैं तो 1% ले लेता हूं. आपने यही तो बोला इंटरेस्ट चार्ज करना है, मैं तो 0.5% ले लेता हूं, मेरी मर्जी. बोले नहीं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम चार्ज करोगे ना, ये देखो कि अगर एक व्यक्ति काइम इन्वेस्ट करता है, काइम इन्वेस्ट करता है कितने साल तक, तो उसे कितना इफेक्टिव रिटर्न मिल जाता है. मान लो 1 साल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6.5% मिल रहा है. कितना मिल रहा है? और आप जो लोन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो भी कितने साल का है? लोन का ड्यूरेशन होता है ना कि नहीं होता है? काहे का क्या होता है? तो आप जो लोन दे रहे हो वो भी कितने साल का है? 6.5% से कम रेट से इंटरेस्ट मत लेना. ज्यादा ज्यादा ले ले, मना नहीं कर रहे हैं, बट कितने से कम से मत लेना. मैंने तो लोन दिया 5 साल का, मैंने लोन कितने साल का दिया, तो फिर तू ये देख, 5 साल के लिए अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने साल के लिए कायम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कितना रिटर्न आ जाता है? बोले 7.5% आ जाता है. तो बोले 7.5% से कम पर मत इंटरेस्ट चार्ज करना. मैंने तो लोन दिया 9 साल का, कितने साल का? बोले 9 तो इसमें है ही नहीं. तो बोले क्लोज देख लेना, नियरेस्ट देख लेना. तो 9 से नियरेस्ट क्या जा रहा है? 10. तो 10 साल अगर मैं कायम इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना पैसा किस रेट से मिल जाएगा? मेरी इफेक्टिव इनकम किस रेट से होगी? उस रेट से कम इंटरेस्ट चार्ज मत करना. ये सब सेक्शन 7 कहता है. वापस से लेना एक बार, बोलेंगे सिंपल लॉजिक. एक ही चीज बोला है कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दोगे, आप क्या नहीं करोगे बेटा? हाँ, तो अगर कंपनी क्या दे रही है तो क्या चार्ज करना जरूरी है? जरूरी है क्या मैं बिना इंटरेस्ट के लोन दे दूं क्या? हाँ. और बोले रेट भी इससे कम नहीं होना चाहिए. बोले किससे कम? तो बोले जो प्रिवेलिंग यील्ड है. ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, लिखा सेक्शन में. क्या है बेटा? काय के ऊपर, कितने साल की, या उससे जो भी, तो उस पर जितना यील्ड, मतलब क्या बोला मैंने, उस पर जितना इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है ना, बोलो उससे कम पर मत देना. फिर इसमें एक बोला है कि टैक्स फ्री बॉन्ड में अगर पैसा लगाते हैं, काय में पैसा लगाते हैं बेटा, और उसका रेट ज्यादा है, किसका रेट जाता है, और
इसका रेट अलग है, तो आप टैक्स फ्री बॉन्ड वाला जो रेट है उस रेट से भी क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स में, बोलो क्या करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करते हैं काय में, तो उसका जो रिटर्न आता है ना, आप उस रेट से भी क्या चार्ज कर सकते हो, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। ये चीज आ गई समझ में अपने को? बेटा इतना सारा काम किया तो क्या एक रजिस्टर नहीं रख सकते हो क्या? बोले एक रजिस्टर रखो, उस रजिस्टर के अंदर क्या करें, बोले सारे पर्टिकुलर्स लिखो। क्या पर्टिकुलर्स लिखे, बोले किसको लोन दिया, किसको इन्वेस्टमेंट किया, किसको गारंटी दी, LIG करने की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इन सब का क्या मेंटेन करो, एक रजिस्टर मेंटेन करो। इतना सब किया है तो एक रजिस्टर मेंटेन करना तो बनता है। अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे, अगर कंपनी ने क्या एक्सेप्ट किए थे, और डिपॉजिट के प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था और डिपॉजिट के, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना मतलब लोन लेना, पहले तो यह समझ लो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना मतलब क्या, लोन लेना, मतलब कंपनी ने खुद ने क्या ले रखे हैं, लोन, डिपॉजिट वाले प्रोविजंस के हिसाब से, है ना, और उस लोन के पेमेंट में कंपनी ने क्या किया है बेटा, डिफॉल्ट। बोलते जाओ बच्चों, क्या बोला है कंपनी ने, लोन के प्रिंसिपल के पेमेंट में या इंटरेस्ट के पेमेंट में क्या कर रखा है, डिफॉल्ट। तो जब तक वो डिफॉल्ट चल रहा है, कब तक क्या चल रहा है वो, 186 का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो आप, ना लिमिट में कर सकते हो ना लिमिट के बाहर कर सकते हो। डिपॉजिट वाला चैप्टर अलग है, वो पढ़ना है हमें, सेक्शन 73 से लेकर मेनली 76 तक के उसमें प्रोविजन है, वो हम पढ़ेंगे, वो हमें है सिलेबस के अंदर, है ना। तो डिपॉजिट क्या होता है वो मैं भी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, डिपॉजिट का सिंपल मीनिंग समझ लो कि हम क्या ले रहे हैं, लोन। तो अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, बोलो बच्चों, अगर कंपनी ने, मतलब खुद लोन ले रखा है, और अगर कंपनी ने खुद ने और उसके रीपेमेंट में क्या किया है, क्या किया है, आप लिमिट में या लिमिट के बाहर LIG कर ही नहीं सकते हो, ना लिमिट में कर सकते हो ना लिमिट के बाहर, कब तक, जब तक वो डिफॉल्ट सबसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यू है, तब तक नहीं कर सकते। ये चिड़ाई समझ में, सेक्शन 9, सबसेक्शन 9 आपको मैंने बताया काय का है, रजिस्टर का, सबसेक्शन 9 काय का है बेटा, कि हमें क्या मेंटेन करना है, एक रजिस्टर, है ना। सबसेक्शन 10 बोलता है वो रजिस्टर आप मेंटेन करोगे रजिस्टर्ड ऑफिस पर, सबसेक्शन 10 बोलता है वो रजिस्टर आप कहां मेंटेन करोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पर। कंपनी का कोई भी मेंबर उस रजिस्टर का इंस्पेक्शन कर सकता है, कंपनी का कोई भी मेंबर उस रजिस्टर का क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन, इवन एक्सट्रैक्ट ले सकता है, क्या ले सकता है बेटा, एक्सट्रैक्ट, किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा, इवन वो इस रजिस्टर की कॉपीज मांग सकता है, इस रजिस्टर की क्या मांग सकता है बेटा, वो कॉपीज। बट इसके लिए आप फीस चार्ज कर सकते हो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। वापस से ये जो रजिस्टर है ना, अच्छा एक बात समझ लेना, आपको एक चैप्टर दिया अलग से रजिस्टर एंड रिटर्न्स के नाम से, तो ये बीच बीच में जितने रजिस्टर पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे हमने एक पढ़ा था 170, जैसे ये पढ़ रहे हैं 186 सबसेक्शन 9, इनको एक पूरा अलग चैप्टर दिया है जिसमें एक्ट में जितने रजिस्टर हैं केवल उन रजिस्टर की डिटेल दी है। वो डिटेल मैं आपको सेक्शन के साथ बताता जा रहा हूं, वो डिटेल अपन अलग से पढ़ने नहीं बैठेंगे। जैसे हम चार्ज पढ़ेंगे उसका रजिस्टर, डिपॉजिट पढ़ेंगे उसका रजिस्टर, सबके रजिस्टर हैं, तो सारे रजिस्टर को एक जगह एक चैप्टर के अंदर लिखा उन्होंने, बट मैं सेक्शन के साथ बताता जा रहा हूं। इसका मतलब समझ में आ रहा ना कि मैं उनको वापस से फिर अलग से नहीं बताऊंगा। तो ये जो रजिस्टर है ना, कहां रखना है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। बोलते जाओ, कहां रखना है कंपनी के, हां कंपनी का कोई भी मेंबर कंपनी का इस रजिस्टर का क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन, क्या कर सकता है,
इंस्पेक्शन का राइट किसको दिया है? मेंबर को. किसको दिया है? मेंबर के अलावा कोई कर पाएगा? नहीं. फिर वो एक्सट्रैक्ट लिख सकता है. एक्सट्रैक्ट समझते हो? उसमें से नोटिंग कर सकता है. फिर वो बोल सकता है मुझे इस रजिस्टर की कॉपीज अवेलेबल कराई जाए. क्या करवाई जाए? तो फिर हम उसे प्रिस्क्राइब मैनर में क्या अवेलेबल करा देंगे? कॉपीज अवेलेबल करा देंगे. हो जाएगा ये. लास्ट दिया है सब सेक्शन 11 जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या दिया बेटा? क्या हुआ? क्या सेम है? अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई एक्सेप्ट सब सेक्शन 1. ये दो तरह के एक्सेप्शंस दिए इनके ऊपर 186 नहीं लगेगा, है ना? तो क्या बोला है? अगर LIG किया जाता है. क्या किया जाता है? किसके द्वारा? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी, ये अपने इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या प्रोवाइड करें? लोन, इन्वेस्टमेंट गारंटी. 186 नहीं लगता है. सब सेक्शन 1 लगेगा. सब सेक्शन 1 लगेगा मतलब दो लेयर से ज्यादा ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे. बाकी 186 नहीं लगेगा. कौन कौन सी कंपनी बने लगेगा? तो भाई लॉजिकल है ना यार. बैंक का तो काम ही क्या होता है? बैंक समझते हो? बैंक का काम ही क्या होता है? लोन देना, लोन लेना. फिर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है? क्या बताया था मैंने? जिसका काम क्या है? दूसरी कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज को लेना. तीसरा क्या? ये भी फंड प्रोवाइड करने का काम करती है. ये कंपनी जो है चौथी कैटेगरी की, ये क्या करती है? उन कंपनीज को फंड देती है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दे रही है, है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अगर आप पैसा वगैरह दे रहे हो तो फिर आप लोन दो, इन्वेस्टमेंट दो, गारंटी सिक्योरिटी दो. 186 नहीं लगता है. क्या पूरा 186 नहीं लगेगा? सब सेक्शन 1 लगेगा. सब सेक्शन 1 लगेगा मतलब दो से ज्यादा लेयर नहीं बना पाओगे. बाकी प्रोविजंस आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है. कोई बोर्ड मीटिंग नहीं, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं. ये समझ में आया अपने को? फिर सेकंड बोला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये दो एग्जम्पशंस दिए हैं, है ना? पहला बोले इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर है, कौन सी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा. एंड कोई भी कंपनी सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करे, मतलब राइट इश्यू में पैसा लगाए. काय में पैसा लगाए? नहीं लगेगा. कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी, है ना? वो सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर रही है. अब बोले ये किस बला का नाम है? तो हमने पढ़ा था राइट इश्यू. राइट इश्यू मतलब क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, जैसे रिलायंस ABC लिमिटेड के शेयर्स खरीद रही है, कितने के? 1 करोड़ के. तो रिलायंस के ऊपर सेक्शन लगेगा क्या? हां. अब रिलायंस जो है वो शेयर होल्डर बन गई. किसकी? ABC की. रिलायंस के पास कितने शेयर्स हो गए? 1 करोड़. अब मान लो ABC जो है वो राइट इश्यू लेकर आई. ABC क्या लेकर आई बेटा? 1:1 के रेशो में. किस रेशो में? रिलायंस के पास कितने शेयर्स थे, तो उसे राइट इश्यू में भी कितने मिल रहे हैं? रिलायंस जब इस राइट इश्यू में पैसे लगाएगी, रिलायंस जब इस 186 नहीं लगेगा. सब सेक्शन 1 को छोड़कर. तो कोई भी कंपनी अगर काय में पैसा लगाती है,
राइट इश्यू में, राइट इश्यू लिखा नहीं, इन्होंने क्या लिखा है 62(1)(a) हमें मालूम होना चाहिए 62(1)(a) काय का है, राइट इश्यू का, बी काय का था इसॉस का, सी काय का था प्रेफरेंशियल इश्यू का, बस वही वाला ये तो है राइट इश्यू, ठीक है। लास्ट दिया एनबीएफसी, बोरोइंग और लेंडिंग दोनों के लिए एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड हो किसके पास, आरबीआई के पास, वो लेंडिंग वाली एक्टिविटी करे या इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटी करे, उसके ऊपर भी 186 एप्लीकेबल नहीं होगा, यह हमें ध्यान रखना है। सबसेक्शन 11 हो गया, रिवाइज करना एक बार। हां क्या बोला बेटा सबसेक्शन 11 में, ये ध्यान रखना बेटा, ये तीनों के लिए है, ये केवल मतलब ये कंपनी अगर गारंटी और लोन देगी ना तो लग जाएगा, ये केवल एग्जम्पशन किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये तीनों के लिए था, ये तीनों के लिए था, है ना। तो कौन सी कंपनी है, या इंश्योरेंस कंपनी, या हाउसिंग फाइनेंस, या इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस, चाहे वो फिर क्या दे, या क्या दे, या नहीं लगेगा। फिर इन्वेस्टमेंट वाली के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी वैसे भी एग्जम्प्ट है, और कोई भी कंपनी अगर क्या कर रही है तो नहीं लगेगा। फिर एनबीएफसी को भी लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट से एग्जम्प्शन है, गारंटी से नहीं है। कौन सी एक्टिविटी लिखी है वहां, देखो लेंडिंग और यही लिखा है ना, उसी से है, गारंटी नहीं लिखा है अपन, मैंने लिखा भी नहीं गारंटी, इसलिए हो जाएगा ये। फिर गवर्नमेंट और आरबीआई सबसेक्शन 12 के हिसाब से रूल्स बना सकती हैं जो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। खुशी की बात यह है रूल्स बनाए नहीं अभी कुछ, एंड सबसेक्शन 13 में पेनल्टी दी है, कितनी पेनल्टी है इन प्रोविजंस का अगर हम क्या करते हैं नॉन कंप्लायंस, 186 के अगेंस्ट जाकर अगर हमने क्या करा कोई भी ट्रांजेक्शन किया, 25,000 रुपए का फाइन है जो कहां तक जाएगा, 5,00,000 तक, किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। एंड जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है 2 साल की सजा होनी चाहिए उसको, कहा है हाँ 2 साल की सजा है, एंड कितने का फाइन है 25,000 जो कहां तक जाएगा, 1,00,000 तक, अगर 186 का क्या किया है, नॉन कंप्लायंस किया है तो, ठीक है। तो कंपनी पर कितने का फाइन है, 25,000 से 5,00,000, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 2 साल की सजा एंड 1,00,000 तक का फाइन। सेक्शन खत्म। अब तीन चीजें आई थी बेटा इसमें, पेडअप कैपिटल, फ्री रिजर्व और स्पा, तीन चीज आई थी ना, मतलब पेडअप कैपिटल में, पेडअप कैपिटल क्या होती है, अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, जितना शेयर होल्डर से हमें पैसा मिला है और हम उसे क्या कर देते हैं, पेडअप कैपिटल के अंदर दिखा देते हैं, वो पेडअप कैपिटल है। केवल पेडअप कैपिटल वर्ड लिखा है ना, इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। केवल पेडअप कैपिटल वर्ड लिखा है ना, कि पेडअप इक्विटी कैपिटल लिखा है, पेडअप शेयर कैपिटल लिखा है ना, इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। तो लिमिट कैलकुलेट करते समय ध्यान रखेंगे कि अगर आपको प्रेफरेंस कैपिटल भी दी है और इक्विटी भी दी है, दोनों को ध्यान में रखना है, काहे के लिए, पेडअप कैपिटल के लिए। सेकंड, फ्री रिजर्व, बोले वो रिजर्व होता है जिसमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ऐसे रिजर्व जिसमें से हम क्या बांट सकते हो, डिविडेंड, पहले पेज पर दिया होगा, ऐसे रिजर्व जिसमें से हम क्या बांट सकते हो, डिविडेंड, वो कौन से रिजर्व कहलाते हैं, फ्री रिजर्व। हर रिजर्व को आपको यूज नहीं करना है, वही रिजर्व जिसमें से क्या बांटे जा सकते हो, डिविडेंड, वो क्या कहलाते हैं, फ्री रिजर्व। बट अगर रिजर्व क्रिएट किया था रिवेल्यूशन ऑफ असेट से, नोशनल प्रॉफिट से, अनरियलाइज्ड गेन से,
अनरिलाइज गेन मतलब जैसे मैंने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ रुपए का, उसकी वैल्यू हो गई 3 करोड़ रुपए, कितनी हो गई उसकी, तो क्या मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट है? हाँ, बट वो अनरियलाइज्ड है। वो रियलाइज कब होगा? मैं 3 करोड़ में बेच दूं, 2 करोड़ का मुझे फायदा हो जाएगा, तो वो रियलाइज्ड है। बट तब तक वो कैसा है? एक सपने की तरह ही है। हो सकता मैं बेचने जाऊं तब तक रेट गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल मतलब आर्टिफिशियल प्रॉफिट, रेवल्यूशन रिजर्व, इन्हें फ्री रिजर्व में इंक्लूड नहीं करते हैं। या हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज थी, हमारी क्या थी बेटा, जो उसे हम फेयर प्राइस के ऊपर शो करना चाहते हैं, और फेयर प्राइस पर शो करने पर हमें क्या हो रहा है, फायदा। उस फायदे को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया है, रिजर्व में, वो भी फ्री रिजर्व नहीं है। तो 5 चीज ध्यान रखें। पहला, वही रिजर्व फ्री रिजर्व होगा जिसमें से क्या बांट सकते हो, डिविडेंड। दूसरा, बट अगर वो प्रॉफिट कौन सा है, अनरियलाइज या नोशनल प्रॉफिट या रिवेल्यूशन का, या असेट्स और लाइबिलिटीज को फेयर प्राइस पर दिखाने का, वो फ्री रिजर्व नहीं है, उसमें से नहीं बांटा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब मैं समझा चुका हूं, हो जाएगा ये। चले सेक्शन खत्म।